हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के प्यारे से चैनल पे। हम कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी एग्जॉस्टिवली हमारे खूबसूरत से चैनल में। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और हम आपके साथ मिलकर फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल हम क्लास 11th की चर्चा कर रहे हैं और ये क्लास 11th की स्टडीज फिजिक्स की मैं आपके साथ कर रहा हूँ। स्टार्ट हुआ है हमारा, मैथमेटिक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत मेजरमेंट के बारे में जाना है और यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बहुत खास चर्चाएं कर रहे हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस की आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूलास, ठीक है ना? नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए आरटी एकेडमी को, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। क्यों करें? बांटने से खुशियां बढ़ जाएंगी, आप तक पहुंचेगा, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगा। स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, काम की बातें। देखिए भाई, अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशंस हमारा काम है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज है। एक और बात, लास्ट लेक्चर में हमने इवेंचुअली बहुत सारी डायमेंशंस कर रखी थी और वो बहुत सारी डायमेंशंस के बावजूद काफी ऐसी डायमेंशंस मैंने जानबूझकर क्लास में डिस्कस नहीं करी हैं जो कि शायद करनी चाहिए थी। छोड़ा सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी बुक्स को टटोलिए, देखिए और जिस मेथड से आपको डायमेंशंस निकालना वीडियोस में हमारे लेक्चर्स में सिखाया गया है, उन मेथड्स को कुछ अननोन क्वांटिटीज जैसे स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस एक्सेट्रा में लगाकर देखिए और फिर आप पाएंगे कि उसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला में चीजों को अप्लाई करने के बाद, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद आप उनकी डायमेंशंस खुद से निकाल सकते हैं। तो मैं 5-10 क्वांटिटीज को आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अननोन क्वांटिटीज हैं, लर्न द फॉर्मूला, थोड़ी सी रिसर्च करिए बुक्स में अपनी, आपकी किताबों में ही मिल जाएगा और उसके बाद उसका खुद का फॉर्मूला बनाइए, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए और देखिए कि क्या आपने जो काम किया है वो सही है या नहीं। इट इज जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज फॉर यू, करिए अच्छा लगेगा। एजेंडा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा सा, ये होमोजेनिटी क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइफ का, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे जब आप एडिशन करते हैं और आप लिखते हैं a, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, प्लस a, आप आंसर लिखते हैं 2a, आप लिखते हैं b प्लस b तो आप आंसर लिखते हैं 2b, आप लिखते हैं 2c प्लस c तो आप आंसर लिखते हैं 3c, आप लिखते हैं 4d माइनस डी तो आप आंसर लिखते हैं 3d। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हो a प्लस बी, इनको ऐड करके कोई एक टर्म बनने वाला नहीं है, इसलिए ये a प्लस बी ऐसे ही लिखे रह जाते हैं। कारण ये है कि ये और ये हमें डिफरेंट स्पीशीज के मिल रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज के मिल रहे हैं, एक जैसे नहीं, अलग अलग। इसी तरह इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें कुछ इस तरह की दिखाई देने लग जाएंगी कि जैसे आपसे कहा गया कि आपके पास एप्पल था एक और उसमें आपने दो एप्पल और ऐड की, यू एडेड टू एप्पल्स, मिलके कितने बनेंगे? 3 एप्पल्स। लॉजिकली आपके पास 4 oranges थे और उसमें से आपने 1 ऑरेंज हटा दिया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3 oranges। अच्छा, लेकिन अगर आप 1 apple में 4 ऑरेंज ऐड करना चाहें तो आपके पास 1 apple अकेला रहेगा और 4 oranges इसके साथ एडिशन में रहेंगे, आप कोई आंसर इसमें से निकाल नहीं पाएंगे। डिफरेंट टाइप की चीजें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, सेम स्पीशीज सब्ट्रैक्ट और एडिशन उनका होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ को, फिजिक्स में आ जाते हैं, अगर मैं लेंथ को लेंथ में ऐड करूंगा तो मुझे लेंथ मिलेगी। अच्छा, अगर मैं टाइम को टाइम में ऐड करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा। अगर मैं मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो
तो मुझे मास मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 4 किलोग्राम्स थे, मैंने उसमें से 3 किलोग्राम्स निकाल दिए तो मुझे 1 किलोग्राम बचा हुआ मिला। मास में से मास को माइनस किया, मास मिला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने प्लस माइनस दोनों को एग्जांपल लेके आपके लिए। सो द क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर एंड सेम डाइमेंशंस गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज, डिफरेंट डाइमेंशंस की क्वांटिटीज ना ऐड होती हैं ना सब्ट्रैक्ट होती हैं। सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में क्या राय है? हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी क्वांटिटी से, चाहे सेम नेचर की हो चाहे ऑपोजिट नेचर की हो जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेम नेचर की क्वांटिटीज का होता है। यानी कि मैं लेंथ को लेंथ से ऐड कर सकता हूं, मास को मास से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, टाइम को टाइम से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं या ऐड कर सकता हूं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इसी तरह से एक्सेलरेशन को सिर्फ एक्सेलरेशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, फोर्स को सिर्फ फोर्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है मेरी बात? आंसर नहीं गई होगी। क्वांटिटीज with same nature and dimensions gets added or subtracted। Multiplication या division किसी का भी हो सकता है, हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में मैंने कह दिया कि मैं लेंथ इज इक्वल टू 4 लिखा है, अगर मैंने डिफाइन किया कि ये लेंथ है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड लेंथ की डायमेंशन लेके बैठा है तो राइट हैंड साइड को भी लेंथ की ही डायमेंशन लेनी पड़ेगी, तो मैं कहूंगा कि ये 4 भी लेंथ ही है। इसी तरह अगर लेफ्ट में टाइम लिखा है पर आगे लिखा है ए, तो अगर ये आदमी टाइम है तो फिर चुपचाप से ये ए भी मेरे बच्चे टाइम ही होगा, ये कहने का तात्पर्य है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। जैसे आपके सामने सबसे पहला मजबूत सवाल आता है, ये टीवी स्क्रीन आपके सामने एक्स, हमने जानबूझ कर बोल रखा है कि ये एक्स जो है वो पोजिशन है। पोजीशन बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो व्हाटएवर, ये अल्टीमेटली है तो लेंथ ही और नापी मीटर में जाएगी। अच्छा ये किसके जुड़ने से बन रहे हैं? ए और बी के जुड़ने से बन रहा है, यानी ए एंड बी आर बीइंग एडेड, ए और बी को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो विशेष ध्यान रखिए कि अगर ए और बी को आपस में जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ए और बी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ए and B must have same dimensions। इन दोनों की dimensions बिल्कुल same होनी चाहिए, जो A की dimension वो B की dimension। अच्छा और इन दोनों जुड़कर बन क्या रहे हैं? सर बन तो position रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इन दोनों के जुड़ने से position बन रहा था तो ये पूरा addition position के बराबर है। तो पोजीशन में पोजीशन ऐड होगा तभी तो पोजीशन बनेगा। हाँ आम में आम ऐड होता है, आम बनता है, केले में केला ऐड होता है, केला बनता है। ओके, यानी मैं कहूंगा कि डायमेंशंस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स। तो डायमेंशंस ऑफ ए निकल आई एम जीरो एल वन टी जीरो। इसी प्रकार से हमें पता है कि A और B आपस में ऐड हो रहे हैं तो dimensions of B भी similarly M0, L1 और T0 निकल के आएंगे। आप समझ पाए A और B की क्या dimensions हैं? A और B किस nature की quantities हैं? Same nature add और subtract हो सकता है, ये हमें physically पता है, और अगर कोई formula दिया हो तो उसमें कौन सी variable का क्या nature है ये आराम से calculate किया जा सकता है। अगला सवाल देखे बेटा। Next question is x is equal to at square plus bt। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो ये x है, x का मतलब position से है।
और जो टाइम है उस टाइम टी का मतलब टाइम से है। ध्यान रखिएगा टी स्क्वायर टाइम नहीं है, टी टाइम है। तो जहां टी स्क्वायर लिखा है वो एक्चुअली टाइम का स्क्वायर है। अच्छा भाई क्या बताएं, कुछ खास नहीं। ये एक टर्म है ए टी स्क्वायर और बी टी एक टर्म है, यानी ए और टी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और बी और टी के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन है। दो क्वांटिटीज जिनका नेचर डायमेंशन सेम ना हो वो मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, डिवाइड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो टर्म है ए उनमें चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हो सकती हैं अलग अलग भी चीजें, मिला जुला के कोई डायमेंशन बना रही होंगी और उसमें ऐड हो रहा है बी टी। तो आपको इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि ए टी स्क्वायर में से बी टी को ऐड किया जा रहा है, तो जो एक बबल के अंदर जो लिखा हुआ 80 स्क्वायर है उसकी डायमेंशन है सेम डायमेंशन BT की है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि 80 हैज द सेम डायमेंशंस, 80 स्क्वायर हैज सेम डायमेंशंस एज ऑफ BT। 80 स्क्वायर और BT की सेम डायमेंशन है, ठीक है। ये दोनों ऐड हुए तो जो डायमेंशन इसकी थी वही इसकी थी और मिलकर जो आएगा वो सेम डायमेंशन का आएगा, क्योंकि आम में आम को जोड़ोगे आम ही मिलेगा। तो जो 80 स्क्वायर की डायमेंशन वो BT की डायमेंशन, ऐड होने के बाद वही x की डायमेंशन। और आप जानते हैं कि x को हमें पोजीशन दिया गया है तो लॉजिकली पोजीशन का मतलब x है क्या, लेंथ। हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि डायमेंशंस ऑफ b into t square must be equal to dimensions of x। जवाब है हाँ, जो एक के dimension वही x के dimension, दूसरे के dimension वो भी x के dimension। अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dimensions of b multiplied by dimensions of t square is equal to dimensions of x। दुनिया खुश है। अब अगर मैं देखूं डायमेंशंस ऑफ बी क्या होंगी तो आप कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। हमने ये कर लिया, इसके बाद सर क्या करवाने वाले, कुछ खास नहीं, बस डायमेंशंस ऑफ बी अब डायरेक्टली आपके सामने आ गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो dimensions of b का मतलब होगा dimensions of x मतलब length की dimension आप l लिख देंगे, नीचे time का square लिखा है यानी capital T square। अगर आप इसको देखें तो बेटे m 0 है, l की power 1 है और t की power minus 2 है। तो dimensions of b तो acceleration जैसा दिखाई दे रहा है और ये आपका पहला answer निकला। similar case आप bt के लिए करेंगे और कहेंगे dimensions of bt is equal to dimensions of x, x के dimension bt के बराबर। तो आप लिखेंगे dimensions of bt is equal to dimensions of x divided by dimensions of b, sorry t, b को इधर। x के dimension अगर आप देखें तो simply l है बेटे और time के dimension देखें तो t है। आप इसको देखेंगे mass हमारे पास picture में नहीं आया तो m0, l1 और t की power minus 1, basically ये जो b लिखा हुआ है it's some kind of velocity term। दिख रहा है मेरे हिसाब से, आई होप क्लियरली विजिबल है। तो ए और बी दोनों के डाइमेंशंस आपके सामने हैं। दिस इज द मेथड कि हम होमोजेनिटी से किसी अननोन क्वांटिटी के डाइमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है साहब। अगला ही है, ये महान कबाड़ी आदमी प्रेशर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस पी का मतलब प्रेशर दिया गया है। ए कांस्टेंट है डाइमेंशन निकालनी है, बी कांस्टेंट है डाइमेंशन निकालनी है, लेकिन जो x है इस x का मतलब पोजीशन, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर अल्टीमेटली लेंथ से है। मैं हाइट बोल दूं, पोजीशन बोल दूं, डिस्टेंस बोल दूं, सब कुछ लेंथ से मतलब। a और b की डायमेंशन इस क्वेश्चन में बतानी है। तो एक तो तय हो गया कि b माइनस x स्क्वायर नीचे और a ऊपर, ये मिला जुला कर किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। पर तुम ए की भी नहीं जानते और बी की भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि बी की वही डायमेंशन हो सकती है जो एक्स स्क्वायर की हो।
सर इस बात की गारंटी कहां से आ रही है? गारंटी यहां से आ रही है कि v से x स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है। मैंगो से मैंगो को माइनस कर सकते हैं, मैंगो से ऑरेंज को माइनस नहीं कर सकते। मीटर से मीटर को माइनस करेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे, टाइम से टाइम को माइनस करेंगे। तो अगर ये माइनस हो रहे हैं, फॉर्मूले में लिखा है कि सत्य है, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ b सेम एज डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर। तो आप डायमेंशंस ऑफ b जब निकालने जाएंगे बेटे, तो डायमेंशंस ऑफ b का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ l स्क्वायर। तो आप देखेंगे लिखा हुआ है m0, l2 और t0। मेरे हिसाब से b की डायमेंशन तो आ गई। अच्छा, अगर ये l2 तो ये भी l2, और माइनस होके जो आएगा वो भी l2, l की पावर 2 ही तो बनेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर को माइनस करोगे तो मीटर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है ना। तो b माइनस x स्क्वायर ये जो लिखा है, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो भी यही l की पावर 2 ही है। अच्छा, अब चर्चा करते हैं प्रेशर से a की डायमेंशन निकालने के लिए। तो आप पूरे फॉर्मूला को देखें तो आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू dimensions of A divided by dimensions of, मैं पूरा अंदर लिखता हूं, B minus X square। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? I hope नहीं होगी। इसमें इसको ऊपर भेज देते हैं मेरे बच्चे। तो dimensions of pressure into dimensions of B minus X square, और ये सारी कहानी होगी dimension of A की। I hope सबको समझ आया होगा। अब प्रेशर की डायमेंशन, अच्छा प्रेशर की डायमेंशन में अभी आपके सामने बाद में लिखूंगा, पहले मैं सबसे पहले तो उसकी चीटिंग कर लूं जो मेरे सामने लिखा हुआ है। b माइनस x पूरे की डायमेंशन m0 l2 t0 है। अब प्रेशर की डायमेंशन या तो आपको याद और या तो आपको निकालनी आती, तो अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक मिनट में आपको निकाल कर दिखाता हूं। इसकी डायमेंशन देखें, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी ml t minus 2 होती है, और एरिया जो है वो l2 होता है। डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा m l minus 1 t minus 2, m l minus 1 t minus 2, and this is the dimension for pressure। और ये बात आपको याद भी होनी चाहिए, m l minus 1 t minus 2, एक ये dimension। अब add कर लीजिए सारी powers, तो mass से mass की power, तो common sense है 0 plus 1 is 1, minus 1 plus 2 तो आया plus 1, minus 2 0 तो t की power minus 2, m l t minus 2। तो मेरे हिसाब से a के डायमेंशन mlt minus 2 यानी काइंड ऑफ फोर्स है, और नीचे मीटर स्क्वायर था तो दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ एरिया ओनली, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का ही फार्मूला आपके सामने एक्चुअली लिखा हुआ है। अच्छा, अगले सवाल का है, दिस इज द फैसिनेटिंग इक्वेशन ऑफ वंडरवॉल्स। वंडरवॉल्स आपने आइडियल गैस के बजाय रियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन करके एक इक्वेशन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन। आपके सामने लिखिए, p फॉर प्रेशर, v फॉर वॉल्यूम, a एंड b आर सम कांस्टेंट्स जिनसे अरेंजमेंट करके फार्मूले को करेक्ट किया गया है। r फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड t फॉर टेंपरेचर। पूछा गया है कि आप a की डायमेंशन के बारे में बताएं और b की डायमेंशन के बारे में बताएं, वेयर p स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। आई होप इसमें कोई परेशानी आपको आने नहीं वाली, आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं इस ब्रैकेट को उठाकर डायरेक्ट देख लेता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के पीछे नहीं जाता हूं, मैं b माइनस b की चर्चा करता हूं। मुझे ये पता है कि लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर b माइनस b, यानी कि वॉल्यूम में से b को घटाया जा रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो किसी कीमत पे एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन या एडिशन का ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये तो होमोजेनिटी है। अच्छा, तो फिर ये तय हो गया कि जो डायमेंशन b की होंगी वो सेम डायमेंशन v की होंगी, तभी ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अन्यथा ये होना पॉसिबल नहीं था। डायमेंशंस वॉल्यूम की जो है वो m0 l3 एंड t0 होती है, तो आपको b की डायमेंशन तो पता चल गई। अब आप बेटे a की डायमेंशन पर आइए। अब a की डायमेंशन के लिए आपके पास जो ये वाला ब्रैकेट है, इसी को पकड़िए, पूरी इक्वेशन को सॉल्व ना करिए तो बेहतर रहेगा। आपके सामने लिखा हुआ है p - a / v2। p फॉर प्रेशर, a का पता नहीं,
v square for volume by square. इस क्वांटिटी प्रेशर में से इस पूरी क्वांटिटी को सबट्रैक्ट किया जाना है, तो प्रेशर की वो ही डाइमेंशंस होंगी जो कि a अपॉन v स्क्वायर की. तो जवाब है हां, ऐसा तो कॉमन सेंस है. तो हम क्या लिख देंगे बेटा, यहां पे हम लिखेंगे डाइमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डाइमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय डाइमेंशंस ऑफ v स्क्वायर. यही तो लिखेंगे. तो जवाब है हां यही लिखेंगे. अब dimensions of a के लिए क्या करेंगे, dimensions of a is equal to dimensions of p multiplied by dimensions of v square. अब भाई आपको प्रेशर की डायमेंशन तो याद ही हो जानी चाहिए, which is ml minus 1 t minus 2, और वॉल्यूम का स्क्वायर है क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर मेरे बच्चे 6 हो जाएगी. तो आप ml minus 1 t minus 2 और यहां पे आया l की पावर 6. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m अकेला बचा रह जाएगा, minus 1 plus 6 ये प्लस का 5 आंसर आएगा और t की पावर minus 2 रह जाएगा और आपके पास a की डायमेंशन आ गई. यू हैव गॉट a एंड b. ठीक है, आंसर आ गया. क्या बोला ये आसान करते चलेंगे. अगला सवाल देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं SHM की इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? SHM की इक्वेशन. बहुत गौर से मेरे बच्चों देखना इस बात को कि y जो है this is called as displacement. a is called as amplitude. amplitude का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कैसे ऑसिलेट कर रही है. ये आपका सिंपल पेंडुलम है एंड दिस इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस. तो ये जितना दूर जा सकता है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. अगर मैं लीनियर टर्म्स में बात करूं तो ये एम्पलीट्यूड है, और अगर मैं एंगुलर टर्म में बात करूं तो ये एम्पलीट्यूड. मैं लीनियर की चर्चा करता हूं. दिस इज द एम्पलीट्यूड. मीन पोजीशन ये है, यहां से इतना एम्पलीट्यूड, यहां से इतना एम्पलीट्यूड. तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोला जा रहा है. ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है. टी हमें टाइम के बारे में पता ही है और ये बेसिक एंगल है. कोई दिक्कत तो नहीं? तो जवाब है नहीं. हमें बताना है कि एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस क्या होंगी और ओमेगा की डायमेंशंस क्या होंगी. मैं कहूंगा कि कहीं भी लिखा हो साइन थीटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. डायमेंशन लेस क्वांटिटी. अब इस थीटा के अंदर मैं कुछ भी डाल दूं, थीटा इज इक्वल टू कुछ भी 60 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री एक्स वाई जेड ए प्लस बी बी प्लस बी बाय सी या व्हाटएवर, जो भी वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूं रहेगा वो एंगल ही, जिसकी वजह से किसी कीमत पर उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. तो साइन वाले हिस्से की अपने आप में कोई डायमेंशन नहीं है. तो इसका मतलब जो डायमेंशन है वो किसकी है? एम्पलीट्यूड की. और वही डायमेंशन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की. तो डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट m0 l1 एंड t0. बेसिकली लेंथ की डायमेंशन है, नथिंग स्पेशल. और दिख भी रहा है वो. लेकिन ऐसा अब चर्चा करें साइन के अंदर कौन होता है. तो साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है ये एक्चुअली एंगल ही है. और मैं अगर साइन के अंदर नजर डालूं तो मुझे ओमेगा टी, ये डब्ल्यू नहीं है ध्यान रखना, दिस इज रिटन लाइक दिस, ओमेगा टी प्लस समथिंग फाई लिखा हुआ है. फाई को अलग तरह से लिख दिया है थोड़ा सा, तो ये फाई इस तरह लिखा हुआ है. और फाई अपने आप में एंगल होना चाहिए और ओमेगा टी मिलाकर भी एंगल ही बनना चाहिए, ताकि इन दोनों को मिलाकर टोटल एंगल बने, ताकि हम ये एस्टेब्लिश कर पाएं साइन या कॉस या व्हाटएवर जो भी यहां लिखा है उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो एंगल ही होती है, एंड दैट इज नथिंग बट एंगल. ठीक है, एंगल की खास बात क्या है कि एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती. एंगल की यूनिट होती है रेडियंस, लेकिन उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. और अगर कोई डायमेंशन नहीं होती तो फाई भी नो डायमेंशन वाला आदमी है और ओमेगा टी भी नो डायमेंशन वाला आदमी है.
अब मैं सिर्फ ओमेगा टी की बात करता हूं, ओमेगा इनटू टी हैज नो डायमेंशंस, तो मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इनटू डायमेंशंस ऑफ टी ये सब मिला के अल्टीमेटली m0 l0 और t0 हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कारण ये है कि ओमेगा इनटू टी की कोई डायमेंशन नहीं होनी, टाइम की डायमेंशन तो होती है, तो ओमेगा की डायमेंशन टाइम से ठीक ऑपोजिट होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो हमारे पास नीचे अगर टाइम को देखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में ऐसे कैपिटल टी आएगा, ऊपर ले जाएंगे माइनस वन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे m0 l0 t की पावर माइनस वन। इन यूनो उसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों रखा, क्योंकि इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी के जैसी आ रही है। तो जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और आपस में उनकी कोई यूनिट ओवरऑल मिलकर ना आ रही हो, तो एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के डायमेंशन एक दूसरे से ठीक ऑपोजिट होंगी। नीट में और बिट्स सेट में बहुत बार ऐसा सवाल आए हैं जहां पर q is equal to cv of 1 minus e power minus t by rc, ऐसे एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में, क्लास 12th में आता है, वहां से सवाल पूछे गए हैं जो डायमेंशंस के होते हैं। फिलहाल आगे करेंगे, अगला टॉपिक हमारा जो है दैट इज टू चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करना कि फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या आइडिया है इसके पीछे कि हम बिना फॉर्मूले को जाने ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला ठीक ठीक लिखा है, अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं लिखा है? तो मैं कहता हूं देखो कैसे अंदाजा लगाते हैं। मान लो कि यहां पे बेटा x is equal to 2y लिखा हुआ है, x क्या है y क्या है इसके चक्कर में मत पड़ना, x को भी लेंथ मान लो y को भी लेंथ मान लो, ऐसा ये बकवास नहीं। पर ऐसा मान लो कि ये x जो है इसके डायमेंशंस m1 l2 t minus 4 है, ये क्या क्वांटिटी बन रही है तुम भूल जाओ कि क्या है, लेकिन ये तय हो जाना चाहिए कि इस y की डायमेंशंस भी या जो भी नंबर के साथ जो मिलकर आ रहा है इस पूरे की डायमेंशन भी m1 l2 t minus 4 ही होनी चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी लिखी गई है सेम नेचर की क्वांटिटी राइट हैंड साइड पर लिखी गई है। और अगर ऐसा है तो फॉर्मूला ठीक हो सकता है, कोई बुराई नहीं उसमें। हाँ, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के टाइम लिख दिया और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो लेंथ की आ रही है, तो आप टाइम को लेंथ से इक्वेट कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर कोई फॉर्मूला टाइम के लिए बनाया गया है तो उसका रिजल्ट टाइम से आएगा, अगर कोई फॉर्मूला लेंथ के लिए बनाया गया तो उसका जो रिजल्ट है वो भी लेंथ ही आएगा, कोई फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए बना है तो फॉर्मूले का रिजल्ट वेलोसिटी ही देगा। इसलिए बोथ द साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बोथ sides of equation must have same dimensions. दूसरा, each term must have same dimension. Each term must have same dimension. Each term की principle of homogeneity. आम में आम को जोड़ो और संतरे में संतरे को जोड़ो, a में a, b में b, length में length, time में time। तो अगर terms की dimensions अलग हो गई तो वो add नहीं हो पाएंगे, तो सारे terms की dimensions same और मिलकर आने के बाद भी dimension वही रहनी चाहिए और left hand side की equation में भी same dimension होनी चाहिए। ये concept है, अगर ऐसा हो जाता है कि formula correct 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 नजर आते हैं, दोनों तरफ की dimensions ठीक ठाक नजर आती हैं, तो इसका मतलब formula correct है, अन्यथा incorrect है, ये incorrect है, sorry। आगे देखें, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं आपने, लिख देते हैं आपके लिए, आइए देखिए। मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख कर दिया 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर g बाय l, ये फॉर्मूला है बेटे, और तुमसे कहा गया कि बताओ कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मैं इस डब्बे को पकड़ लूं और कहूं कि इट्स अ प्योर नंबर, प्योर नंबर का मतलब ये आदमी जो है ये डायमेंशन लेस है, इसकी किसी प्रकार की कोई डायमेंशंस नहीं है, विशेष ध्यान रखिए। तो हम इसको तो करने का कोई मतलब ही नहीं है,
यानी जो डिमेंशन टाइम की होंगी वही डिमेंशन इस पूरी क्वांटिटी की होगी, ध्यान रखिएगा, g by l की नहीं, स्क्वायर रूट ओवर g by l की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की चर्चा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कहते हैं कि जो डिमेंशंस ऑफ t आ रही हैं वो है m0, l0 और t की पावर 1, क्योंकि अकेला टाइम लिखा है और टाइम की डिमेंशन तो यही होती, बाकी सब तो इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि फंडामेंटल। अब हम कूद पड़ते हैं राइट हैंड साइड पे, और डिमेंशंस अगर हम लिखने चाहें राइट हैंड साइड की तो वो लिखेंगे डिमेंशंस ऑफ जी डिवाइडेड बाय डिमेंशंस ऑफ एल और इस पूरे की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा, और ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा G क्या होता है सर, याद कराइए, व्हाट इज G? तो आप सबको जानते हैं कि G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, हमारी तुम्हारी वजह से हो, फोर्स लगाने किसी भी तरह की फोर्स से हो, एक्सेलरेशन इज जस्ट एक्सेलरेशन। तो डायमेंशंस तो इसकी एक्सेलरेशन वाली ही आएंगी, तो हम क्या करें, कुछ खास नहीं करें भाई, डायमेंशंस लिख लें, और जैसे ही आप डायमेंशन लिखेंगे मजा नहीं आया इस कलर में आप कलर चेंज किया तो दिल कुछ नहीं हुआ। आओ देखो ये ठीक है, अगर g की डायमेंशंस लिखें तो lt माइनस 2 लिखेंगे, व्हाट इज lt माइनस 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की पावर 0 हो जाएगी। और डायमेंशंस अगर l की लिखेंगे तो m0 l और t0, पर इस पूरे की पावर को अगर तुम बहुत गौर से देखोगे तो ये 1/2 लिखेंगे। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो सारी डिमेंशंस में इन्हें मल्टीप्लाई करा लीजिए एंड यू विल गेट मास की पावर 0, एल की पावर 1/2, टाटा 1/2, और टी की पावर -2/2, ये मल्टीप्लाई हो गया। नीचे मल्टीप्लाई मेरे बच्चे करें तो हम लिखेंगे एम जीरो एल की पावर 1/2 और टी जीरो। अब जब इसे डिवाइड बाई कर लेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा एम की पावर 0, ये कैंसिल हो जाएगा, L की पावर भी 0 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास T की पावर आएगा -1। ये राइट हैंड साइड है, आप चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड की डाइमेंशंस और चेक करिए राइट हैंड साइड की डाइमेंशंस। M0 L0 T की पावर +1, M0 L0 T की पावर -1, डाइमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड डजंट मैच विद डाइमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड यू से कि हमारी जो डाइमेंशंस है वो मैच नहीं करती हैं। फार्मूला कैसा निकल आया, इनकरेक्ट, इनपुट वैल्यू में दोष है। आगे बढ़ जाएंगे, करेक्ट इफ द प्रीवियस वाज रॉन्ग, करेक्ट करिए अगर पुराना फॉर्मूला गलत था। मैंने कहा पुराने वाले फॉर्मूले को देखो बॉस, यहां क्या हुआ है, यहां ये हुआ है कि सब कुछ कट गया, अगर g by l लिखते या l by g लिखते तो कट तो सब कुछ जाता, बचता क्या, टाइम की पावर -1, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टाइम की पावर +1। यानी मुझे कुछ ऐसी चीज निकालनी थी और मैंने ऐसी चीज निकाल दी, यानी जो कुछ लिखा हुआ है अगर इसको मैं उल्टा कर देता, पावर -1/2 लगा देता तो बात बन जाती, तो बात बन जाती तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि प्रोवाइडेड फॉर्मूला जो है वो है 2π√g/l, और ये निकला है इनकरेक्ट, और मुझे पता है ये तय बात है कि टाइम की जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशन 1/√g/l की हैं। आपको अभी दिखाया था कि g by l के रूट से मैच नहीं कर रही, वो 1/ हो गई हैं। तो जब 1/ हो गई हैं तो बेटा अगर हम इसे सोचो ऊपर भेजने ऐसा कुछ कर लें तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो 2π ऐसे रह जाएगा, और जब तुम इसे ऊपर भेजोगे तो तुम देखोगे कि रूट के ऊपर l चला जाएगा और नीचे क्या आएगा जी। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि फॉर्मूले में डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं थी, एंड बाय रिवर्सिंग इट वी गेट द करेक्ट फॉर्मूला। अगले पे आइए, चेक द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at क्यूब, at स्क्वायर होता है, होता होगा, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। सबसे पहले इस गंदगी को दूर करें कि 1/2 इज अ प्योर नंबर, इसमें किसी प्रकार की डायमेंशन नहीं है, इट इज नथिंग बट अ डायमेंशनलेस नंबर, तो इसको चर्चा के विषय से बाहर निकाल देते हैं।
जो एस है वो इन जनरल हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, पोजीशन हो, एक्चुअली ये लेंथ है और लेंथ की जो डिमेंशन है वो सिंपली एल हुआ करती है। अच्छा, तो ये क्वांटिटी यू एंड टी है, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, टी इज टाइम, तो जनरल हमारे नोटेशन है। ए फॉर एक्सेलरेशन है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, एंड टी क्यूब, ए टी क्यूब का वही डिमेंशन होना चाहिए जो यूटी का है, वही एस का होना चाहिए, क्योंकि यूटी में ए टी क्यूब ऐड होगा तभी तो एस मिलेगा। तो हम कहेंगे डिमेंशन ऑफ एस को देखें तो वो एल है, अब यू एंड टी के डिमेंशन को देखें, यू वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन डिमेंशन बनेगी मीटर पर सेकेंड, और टी को देखो तो टी बनेगी। अब इस टी की पावर प्लस वन माइनस वन को काट दोगे तो आपको दिखाई देगा एल और एल इक्वल है, और दुनिया एकदम खुश है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ रही है। पर अभी ये आदमी बचा हुआ है, इसका डिस्कशन करना बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम चर्चा करें तो डायमेंशन एल दिखाई देती है, और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन पे अगर चर्चा करें तो हमारे लिए ए कोई कॉन्स्टेंट वो अलग वाला नहीं है जो हम निकालेंगे, ए फॉर ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो जब एक्सेलरेशन होगा तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद t की पावर 3 लिख देंगे, एंड यू विल गेट l t प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस 1 बचा। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को आप देखें कि l आ रही है, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को आप देखें तो l t आ रही है, तो टाइम की एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गई है। तो यहां पर ये जो t क्यूब लिखा है, अगर इसकी जगह t स्क्वायर लिखा होता तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता। इस 1/2 का कोई लॉजिक नहीं है, जवाब है नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सर 1/2 की जगह 4/5 लिख दे तब भी तो आप फार्मूला सही बताते, जवाब है हां सही बताते। पर सर हमें पता है कि s is equal to ub plus half of at square होता है, 4/2, 4/3, 7/4 तो नहीं होता है, यहां तो कुछ भी लिखा जा सकता था, तो जवाब है हां। पर वो फार्मूला करेक्ट तो नहीं होता, हां नहीं होता, तो आप कैसे करें फार्मूला करेक्ट है? गौर से सुनना, ये फॉर्मूला अगर यहां पे स्क्वायर लिखा होता तो ये डायमेंशनली करेक्ट होता, ये एक्चुअली फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, पहली बात तो ये विषय ध्यान रखें, ठीक, मतलब एक्चुअली फॉर्मूला सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी क्वांटिटीज सही सही रखी है, उनमें ये जो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी चर्चा आप एक्सपेरिमेंटली निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इस मेथड से नहीं आएगा, इस मेथड से सिर्फ ये तय हो जाएगा कि कौन सी क्वांटिटीज ऐड एंड सबट्रैक्ट हो रही है और क्या मिल रहा है। बेस में इस टॉपिक के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है। अगला सवाल देखें, खूबसूरत सा सवाल है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय at + b / t + c, डाइमेंशंस ऑफ a b एंड c आर, तो व्हाट टाइप क्वेश्चन, v फॉर वेलोसिटी है, a इज अ कांस्टेंट, t इज टाइम, अगेन v इज अ कांस्टेंट, t अगेन इज अ टाइम, एंड c इज कांस्टेंट। ओके, आप देखें कि वेलोसिटी अगर v है, टेन वेलोसिटी ये रही v, तो डाइमेंशंस ऑफ v l h s में अगर हम चर्चा करें तो डाइमेंशन आएगी वेलोसिटी की l t माइनस वन, मेरे हिसाब से ये आ जाएंगी, ठीक है। RHS में चर्चा कर रहे हैं तो ये a t और इस v अपॉन t प्लस c, इस पूरे की डाइमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि ये तय हो पाए कि velocity, 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 मतलब velocity से velocity को add किया गया और जो आया वो भी velocity था। तो जरा dimensions of AT की चर्चा करेंगे। Dimensions of A into T, और ये वो ही dimensions होंगी क्योंकि velocity में velocity को add किया गया है और ultimately velocity आ रहा है, तो A into T की velocity वही होगी जो कि dimensions वही होंगी जो velocity की dimension है। तो हमारे लिए dimensions of A जो होंगे वो होंगे dimensions of velocity divided by dimensions of time। तो हमने कहा भाई velocity की अगर dimensions देखोगे तो तुम कहोगे कि सर l t minus 1 होता है, और अगर तुम t के dimension देखोगे तो simply t होता है। ये t अगर ऊपर जाएगा तो t की power minus 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला minus 1 ये ऊपर वाला minus 1 मिलके minus 2 बन जाएगा, और आप कह रहे होंगे कि dimensions of a की जगह लिखा जाएगा l t minus 2, यानी this is nothing but a kind of acceleration term। अच्छा, ये acceleration के बारे में जानकारी दे रहा है, तो जवाब है जी हाँ, acceleration की ही जानकारी दे रहा है। अब इस b
अपॉन टी प्लस सी पे चर्चा करें। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे को सॉल्व किए बिना अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि b अपॉन t प्लस सी लिखा गया, फॉरगेट अबाउट दिस b, भूल जाओ कि कुछ था, तुम ये याद रखो कि t प्लस सी है, यानी c को किसमें ऐड किया जा रहा है, t में, और भाई भाई ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी टाइम में टाइम, लेंथ में लेंथ, मास में मास, ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर c को t में ऐड किया जा रहा है तो आप ये तय कर सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि c के डायमेंशन जो हैं वो टाइम के बराबर होंगी। मैं m0 l0 भी लिख सकता हूं, m0 l0 t की पावर 1। नाउ अब इस पूरी क्वांटिटी को देखो कि डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t + c जो भी होगा, इस पूरे टर्म की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आनी चाहिए, यानी कि हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो तुम कहोगे कि राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है वो तो एल टी की पावर माइनस वन है, और सामने अगर देखोगे तो तुम लिखोगे डायमेंशंस ऑफ बी, और नीचे अगर देखोगे तो लिखोगे डायमेंशंस ऑफ टी प्लस सी। और टी प्लस सी क्या है, टी की डायमेंशन टाइम है और सी की भी डायमेंशन टाइम ही है, क्योंकि टाइम में टाइम को ही ऐड करोगे, तो टी भी टाइम है और सी भी टाइम ही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि टी प्लस सी पूरा का पूरा मिला के भी टाइम ही है। Dimensions of t अलग और c अलग नहीं, t plus c ऐसे लिख लें, और ultimately ये आदमी हमारा time ही है, तो dimensions of b मैंने ऐसे लिखा, और ये लिखा है lt minus 1, और t plus c अगर ये ऊपर चला गया, तो इसकी dimension t ऊपर आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, t ऊपर आ गई, हाँ ऊपर आ गई भाई, क्योंकि ultimately ये जो term बन रहा है dimensions of t plus c वो तो time का ही, तो time को जब मार के ऊपर भेज दिया, t की power minus 1, t की power plus 1 वो तो 0 हो गई। तो आपके पास m0, l की पावर 1 और t की पावर 0, एंड दिस इज योर आंसर। a और b दोनों की डाइमेंशंस आपने निकाल ली। खूबसूरत सवाल, छोटा है, जल्दी हो जाएगा। आगे देखें, कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वैरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन s। कोई ओरिजिन आपने कंसीडर किया और वहां से कुछ दूरी पर आप चले गए, तो जैसे-जैसे आप दूरी को बदल रहे हैं वैसे-वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, और पोटेंशियल एनर्जी के बदलने का जो फंक्शन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, दैट v इज इक्वल टू a रूट x बाय x प्लस b। कोई बोला नहीं, आओ कर लेते हैं। x पोजीशन है पहली बात, a एंड b आर नथिंग बट कांस्टेंट्स, जिनकी कोई डाइमेंशंस होंगी वो निकालनी, एंड दिस कैपिटल v इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया खुश है, ठीक लग रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे इसमें x से b ऐड हो रहा है, जिस भी इक्वेशन में कहीं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता दिखाई दे पता चल जानी चाहिए कि सर इनकी डायमेंशन सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ b सेम एज डायमेंशंस ऑफ x, और यदि ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ b is equal to nothing but x तो position क्या distance है, तो logically mass कुछ है ही नहीं, length और time भी zero, b की dimension तो साहब हमने निकाल ली, और तुम ये भी जान चुके हो कि x plus b जो x की dimension वो ही b की dimension, और जुड़कर जो आएगा उसकी dimension भी same रहेगी, यानी इस पूरे के पूरे denominator की dimension l की power 1 है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं, dimensions of capital V is same as dimensions of a root x divided by dimensions of x plus b, और आपको पता है x plus b की dimension l के बराबर है, ठीक है। अब potential energy लिखा हुआ है, ये potential energy हो, kinetic energy हो, कोई भी energy हो, ultimately इसकी dimension जो होगी वो ML2 T-2 होगी, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें निकाली हुई है, याद करने के लिए भी बोला था। तो चुपचाप से आप इसकी डायमेंशन ML2 T-2 लिख दीजिए। डाइमेंशंस ऑफ A हमें नहीं पता, नहीं पता तो लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय डाइमेंशंस ऑफ रूट x। रूट x का मतलब क्या है कि जो भी x है उसकी पावर कितनी है 1/2, और x का मतलब क्या है पोजीशन, और पोजीशन का मतलब डाइमेंशन L।
यानी एल की पावर 1/2। अच्छा, नीचे देखे क्या है, एक्स प्लस बी की डायमेंशन कितनी थी, एल, तो जो डायमेंशन आएगी बेटे वो कितनी आएगी, एल। अच्छा, अब इस एल को ऊपर भेज दो, तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर गया और से देखो, डायमेंशंस ऑफ एल की पावर 1/2, मतलब जो डायमेंशन है एल की 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1, -1 प्लस 1/2, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा ए के लिए वो ये बन के आएगा कि एल की पावर -1/2, ठीक है ना, आधे में से एक जाएगा, माइनस आधा बचेगा, इस एल की पावर -1/2 को नीचे भेज दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डायमेंशंस ऑफ ए जो आएगा वो पहले तो वही लिखा हुआ है, दैट इज एम एल टू टी माइनस टू, और फिर नीचे अगर देखोगे तो ये चीज ऐसे एल की पावर -1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, जब इसे बेटा आप ऊपर ले जाओगे तो आप पाओगे कि ये ऊपर जाते ही पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, दो ऊपर और आधा और ऊपर चला जाएगा तो 2.5, यानी 2 1/2, ऐसे ना लिखे, मिक्स फ्रैक्शन में ना लिखे, 5/2 लिख देते हैं और टी की पावर -2 लगा देते हैं, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, ए निकाल लिया और बी निकाल लिया, ओरिजिनल डायमेंशंस हैं बट फॉर्मूला अगर सही है तो आंसर भी करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दिस, इक्वेशन लिखिए, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम, स्टैंडर्ड नोटेशन से चर्चा करते हैं ए बी सी की, आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, पर जो डायमेंशन सी टी स्क्वायर की वो डायमेंशन पूरे की ए ऑफ टी प्लस बी की, और वही डायमेंशन एस की, तो हम ऐसा कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एस। अच्छा, अगर मैं कहूं कि डायमेंशंस ऑफ सी को तो मैं अलग लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम की डायमेंशन का मतलब टी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन का मतलब एल, तो अगर मैं लिखूं डायमेंशंस ऑफ सी तो आप कहेंगे एल टी माइनस टू, ये नीचे गया ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गई, ये आपके पास आंसर। अब थोड़ा सा दिमाग खोलने वाली चीज कि आपको ब्रैकेट के अंदर ही सही लेकिन टी और बी ऐड होते दिखाई दे रहे हैं, बी ऐड हो रहा है टी के साथ यानी टाइम हो रहा है टाइम के साथ ऐड, तो बी ऑब्वियसली टाइम होना चाहिए, तो हम लिखेंगे dimensions of b must be equal to same as dimensions of t, तो हम dimensions of b की जगह simply t लिख सकते हैं, which can also be written as m0 l0 t की power 1, ये आंसर आ गया। अब a की dimension के लिए क्या करना है, इस पूरे term पे नजर मारनी, और जो पूरा term है this whole term will be having the same dimension as s, clear है मेरी बात, तो आप देखें आप लिखेंगे dimensions of a t plus b must be equal to dimensions of s। अच्छा, dimensions of a को मैं अलग कर लूं और multiply लगाकर इसकी भी dimensions मैं लिख दूं, t की dimension second time, और लॉजिकली b उसमें ऐड हो रहा है तो उसके भी डायमेंशन टाइम, और टाइम में टाइम ऐड हो गया क्या बनेगा बेटा, लॉजिकली टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो l होता ही है, इसे नीचे भेजिए बाद में ऊपर भेजिए एंड यू विल गेट कि डायमेंशंस ऑफ a जो निकल के आई तो वो निकल के आई m0 क्योंकि मास तो है ही पिक्चर में और t की पावर -1 दिखाई दे रहा है, दिस इज योर डायमेंशन, क्लियर है मेरी बात, आई होप होमोजेनिटी समझ आई होगी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझ आई होगी, क्या कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स में कैसे बातें करनी है, टर्म्स के अंदर कैसे बातें करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर्मूले की करेक्टनेस कैसे चेक करनी है। कहानी यहीं तक है, इसके बाद आज नहीं करेंगे, अब अगली चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में जहां फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानकर नई क्वांटिटीज का डिमेंशन निकालेंगे, ठीक है ना, तो कई सारे टॉपिक्स अभी करने हैं और एग्जॉस्टिवली करने हैं, फिलहाल अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी एकेडमी को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लो, साल भर बोर्ड का कंटेंट बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और थ्योरी को बहुत डिटेल में आपके दिमाग में डाला जाएगा, नाम मत भूलिएगा इंद्रजीत सिंह, आपको पढ़ाने के लिए काफी सारी पढ़ाई की है हमने भी, और साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी पूरा कोर्स आरटी एकेडमी पे आपको मिलेगा, मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में लगातार पूरे साल आरटी एकेडमी पे,
मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में।